दोस्त, तो हमारे पास ये हमारा वीवो का फ़ोन है। आज हम इसको आपके सामने इसकी हार्ड रीसेट करके दिखाएंगे, इसका पैटर्न अनलॉक करके दिखाएंगे। वैसे तो इसमें पैटर्न लगा हुआ नहीं है, तब भी एग्जांपल में हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर देना है। पावर की बटन दबा के हमने ये फ़ोन अपना पावर ऑफ कर दिया है। हमारा ये फ़ोन पावर ऑफ हो गया है। अब सबसे पहले दोस्तों, आपको इसमें वॉल्यूम अप और पावर की यानी कि स्विच ऑफ खोलने वाला बटन दबा के रखना है। ये याद रखना है आपको, वॉल्यूम अप और पावर की एक साथ दोनों को दबा के रखना है। फिर आपके सामने आपका फ़ोन ऑन होगा। फिर इसमें आपको कुछ सेटिंग मांगेगा। यहाँ से आपको वॉल्यूम अप बटन दबाकर नीचे वाले ऑप्शन पर लाना है। फिर इस पर आपको ओके कर देना है। पावर की बटन दबाकर इसको ओके कर देना है। हमने ओके कर दिया है। फिर हमारे सामने एक और न्यू पेज होगा, पेज आएगा, एक और न्यू ऑप्शन आएगा। हमारा फ़ोन ये फिर से ऑन हो रहा है। फिर हमारे सामने एक और नया ऑप्शन आएगा, उसमें भी हमें कुछ सेटिंग देनी है फ़ोन की। ये यहाँ पर देनी है। यहाँ आप क्लियर डाटा पर क्लिक करना है। ब्रश साथ छपा हुआ, इस पर आपको टच से क्लिक करना है। ये किसी बटन से क्लिक नहीं होगा, टच से क्लिक कर देना है आपको। फिर आपको नीचे दिख रहा होगा क्लियर आल डाटा, इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। हमने ये ओके पर क्लिक कर दिया। फिर हमारे सामने ये दिख रहा है क्लियर आल डाटा, यानी कि हमारे फ़ोन में जितना भी डाटा था, पैटर्न वगैरह और लॉक वगैरह, वो सब कुछ हो गया, ख़त्म हो गया, यानी कि डिलीट हो गया। फिर आपको रिटर्न पर क्लिक कर देना है। फिर आपको बैक जाना है। फिर आपको फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट पर क्लिक करिए, फिर आपको ओके कर देना। फिर दोस्तों, हमारा फ़ोन ये ऑन होगा हमारे सामने। फिर आपको इसमें ऑन होते कुछ न्यू सेटिंग और भी देनी है। हमारा फ़ोन ये ऑन हो रहा है। अगर दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारे सामने हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है। इसको ऑन होने देते हैं। इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, वैसे कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फ़ोन रीसेट करते हैं तो टाइम लगता है कुछ। हम इसको वीडियो को स्कैप कर देंगे अपने बीच की। हमारे सामने एक और न्यू सेटिंग आई है ऑन होते फ़ोन को। फिर आपको सेटअप योर फ़ोन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ से अपनी भाषा सेलेक्ट करनी है, जो भी हिंदी इंग्लिश। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको अपनी कंट्री चूज करनी है, जो भी आपकी कंट्री, इंडिया वगैरह, हमने इंडिया कर लिया। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको एग्री पर क्लिक कर देना है। फिर आपको ये वाईफाई मांगेगा, तो आप यहाँ वाईफाई ना दें, आपको स्कैप पर क्लिक कर देना है। ऊपर आपको स्कैप दिखेगा, हमने स्कैप कर दिया। फिर आपके सामने एक और नीप हो जाएगा गूगल सर्विस। फिर आपको इसको भी एक्सेप्ट कर लेना नीचे से। फिर आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फेस लॉक का ऑप्शन आया। अगर आप फेस लॉक लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, वरना इसको भी स्कैप कर सकते हैं। स्कैप कर दिया हमने। फिर आपको ओके करना, स्कैप कर देना नीचे भी। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और न्यू सेटिंग आ गया, इसको भी आप स्कैप कर दें। फिर हमारे सामने आ गया फ़ोन। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा फ़ोन पहले जैसा नया जैसा हो गया। फिर आपको यूज नाउ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, हमारा फ़ोन ये पहले जैसा हो गया, जैसे ही नए फ़ोन में सेटिंग आती है वैसा ही हो गया। अगर दोस्त हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नमस्कार दोस्तों।